हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना की पुलिस ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो नकली सोने को असली बताकर लोगों को बेचने का काम करता था। इस ग्रोह में एक महिला और दो पुरुष पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस की जानकारी के मुताबिक ऊना के एक दुकानदार को यह ग्रोह सोना बेचने की बात कहकर अपने जाल में फंसाना चाहता था। दुकानदार ने इन्हें बैठाकर पैसे लाने का बहाना बनाया और पुलिस चौकी जाकर इस मामले की सूचना दी और पुलिस को साथ लेकर दुकान पर पहुंच गया। ग्रोह के सदस्य ने बताया कि वह सोना बेचने का कारोबार करते हैं, इसलिए वे आपको सोना बेचना चाहते हैं। पुलिस ने इस ग्रोह के दो सदस्यों और एक महिला को अपने कब्जे में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की तो इनके पास से 2 किलो के करीब नकली सोना भी बरामद हुआ, जिनमें कई गहने भी शामिल हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि ये एक बड़ा ग्रोह है और इनके पकड़े जाने से कई अहम खुलासे होने की उम्मीद जाहिर की है। आज जो हमने गैंग पकड़ा है वो गैंग यूपी और दिल्ली से है। इसमें एक महिला है और 2 पुरुष हैं। ये गैंग नकली सोने को असली बेचने की फिराक में था, जिसे हमारी ऊना पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक धर दबोचा गया। एनकाउंटर ऊना से सुशील पंडित की रिपोर्ट।